हाय गाइस, आज की स्पेशल वीडियो में बात करने वाला हूँ कि कैसे आप अपने पुराने फोन्स को कंप्यूटर का सेकेंडरी मॉनिटर बना सकते हो। जी हाँ गाइस, मतलब एक स्क्रीन तो आप अपने कंप्यूटर की या लैपटॉप की यूज कर ही रहे हो, आप अपने मोबाइल्स को भी एज ए सेकेंडरी मॉनिटर की तरह यूज कर सकते हो, जिसकी हेल्प से आप अपने कंप्यूटर की स्क्रीन को भी शेयर कर सकते हो और उस पर जो भी वर्क होगा विदाउट एनी इंटरप्शन दो दो स्क्रीन पे काम कर सकते हो। कैसे किया पहले आपको समझ में नहीं आ रहा होगा, सबसे पहले आप क्लिप को जरूर देख लें। तो यहां पर मैंने क्या समझाया, यहां पर बताया कि यहां पर जो मेरी फर्स्ट स्क्रीन है उसका जो भी डेटा है, जो भी मेरी स्क्रीन पे दिख रहा है आपको, वो सेकेंडरी स्क्रीन पे ट्रांसफर हो गया और मेरी फर्स्ट स्क्रीन बिल्कुल ब्लैंक हो गई। मैं फर्स्ट स्क्रीन पे कोई भी काम कर सकता हूं विदाउट एनी इंटरप्शन। तो ये टास्क मैंने कैसे परफॉर्म किया पूरा कंप्लीट इस वीडियो में बताने वाला हूं। इस तरीके की टिप्स एंड ट्रिक्स आप यदि पसंद करते हैं तो मेरे चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर देना। चलिए फिर कंप्यूटर की स्क्रीन पे। गाइस फाइनली आ गए हम अपने कंप्यूटर की स्क्रीन पे। आप यहाँ पे देख सकते हैं कि यहाँ पे एक मेरा मोबाइल रखा हुआ है, ठीक है, और ये मेरी कंप्यूटर की डिस्प्ले है। अब मैं क्या करूंगा, यहाँ पर सबसे पहले अपना कोई भी ब्राउजर ओपन करूंगा। आपके पास गूगल क्रोम है तो आप गूगल क्रोम ओपन कर सकते हो। मेरे पास गूगल क्रोम है, मैंने गूगल क्रोम ओपन किया। गूगल पे मेरे को क्या लिखना है, यहाँ पे टाइप करना है वायर्ड एक्स डिस्प्ले, WIRED वायर्ड स्पेस एक्स डिस्प्ले, ठीक है। इस तरीके से आपको सर्च करना है। सर्च करने के बाद आपको जो फर्स्ट लिंक मिलेगी, ठीक है, इस लिंक पे आपको क्लिक कर देना है। जैसे आप क्लिक करेंगे तो यहाँ पर आपसे पूछा जाएगा कि क्या आपके पास मैक ऑपरेटिंग सिस्टम है या फिर आपके पास जो आपका पीसी है वो विंडोज बेस्ड है। तो आपका यदि पीसी विंडोज बेस्ड है तो आपको विंडो की यूटिलिटी डाउनलोड करनी है, अदरवाइज यदि मैक का है तो मैक की डाउनलोड करनी है। यहाँ पर मेरे पास विंडोज की है तो मैं को सिंगल क्लिक करना है। सिंगल क्लिक करते ही यहाँ पर मेरे पास एक ऑप्शन आ जाएगा डाउनलोड करने का। मैंने ऑलरेडी ये डाउनलोड किया हुआ है, आप देख सकते हैं, ठीक है, तो मैं यहाँ पर डाउनलोड नहीं करूँगा, ठीक है। इस तरीके से आप डाउनलोड कर लेना और डाउनलोड करने के बाद आपको इस तरीके से एक यूटिलिटी मिलेगी, ठीक है। उस यूटिलिटी को आपको डबल क्लिक करके यहाँ पर इंस्टॉल कर लेना है, ठीक है। मैं इंस्टॉल करता हूँ, थोड़ा सा टाइम लगेगा इसको इंस्टॉल करने पर। जैसे जैसे इंस्ट्रक्शन आएंगे आप वैसे वैसे इंस्ट्रक्शन को फॉलो कर लेना। तो ये इंस्टॉल होना स्टार्ट हो गई है, ठीक है, इसको इंस्टॉल होने देते हैं। तो यहाँ पर ये इंस्टॉल होने के बाद आपको कुछ इस तरीके से एक इंटरफेस दिखेगा, ठीक है। ये इंटरफेस सिंपली एक इंटरफेस है। आपके पास हो सकता है कि नेक्स्ट नेक्स्ट करके कोई ऑप्शंस आए तो आप उसको नेक्स्ट नेक्स्ट करके कंप्लीट कर देना, फिनिश कर देना, ठीक है। मैंने ऑलरेडी ये डाउनलोड किया हुआ था पहले और इंस्टॉल किया हुआ था, शायद मेरे पास नहीं आया। अब क्या करना है मुझको गाइस, यही सेम जो सॉफ्टवेयर है इसी सेम सॉफ्टवेयर को आपको अपने मोबाइल में डाउनलोड करना है, ठीक है। आपके पास यदि एंड्रॉइड मोबाइल है तो आप एंड्रॉइड मोबाइल में डाउनलोड कर सकते हो। कैसे डाउनलोड करना है मैं आपको बता देता हूँ। आपको सिंपली यहाँ पर जाना है गूगल के प्ले स्टोर पे। प्ले स्टोर पे आपको सर्च करना है वायर्ड एक्स डिस्प्ले, WIRED वायर्ड एक्स डिस्प्ले, ठीक है। जैसे आप देखेंगे यहाँ पर आपको इस तरीके से एक सॉफ्टवेयर मिलेगा एंड आपके गूगल प्ले स्टोर पे, तो आप इस तरीके से उसको डाउनलोड कर लेना। मैंने ऑलरेडी डाउनलोड किया हुआ है। जैसे ही आप इसको डाउनलोड करके ओपन करेंगे, मतलब इंस्टॉल करेंगे, जैसे ही आप इसको ऑटोमेटिकली इंस्टॉल होने के बाद ओपन करेंगे तो आपसे कुछ परमिशंस मांगेगा, वो आप इसकी परमिशन को अलाउ कर देना। और जैसे आप इसको ओपन करेंगे इस तरीके से आपका एक यूजर इंटरफेस ओपन हो जाएगा, ठीक है। इंटरफेस ओपन होने के बाद आपको इस तरीके से एक पॉपअप आएगा कि प्लीज अलाउ यूएसबी डिबगिंग इन सेटिंग, ठीक है। अब इसका मतलब क्या है वो आपको मैं बता देता हूँ, ठीक है। मैं अपनी स्क्रीन रिकॉर्डिंग भी ऑन कर देता हूं, साइड बाय साइड मैं आपको स्क्रीन भी दिखाऊंगा कैसे चलता है। तो यहां पर आप देख सकते हैं कि इस तरीके से आ चुका है। अब मुझको अपनी डिबगिंग मोड को ऑन करना है, तो मैं कैसे ऑन करूंगा, यहां पर मैं गया अपने सेटिंग मोड में, ठीक है। ये मेरा एक MI का मोबाइल है, ठीक है। अब यहां पर देख सकते हैं यहां पे अबाउट फोन का एक ऑप्शन आपको देखने को मिल रहा होगा, ठीक है। इस तरीके से अबाउट फोन का एक ऑप्शन मिलेगा, इस पे आपको टैप कर देना है। टैप करने के बाद ये मेरा रेडमी का फोन है, तो यहां पर मेरा जो MIUI यहां पे आपको देखने को मिल रहा होगा। आपके पास कोई भी फोन हो सकता है, ठीक है। तो आपको सिंपली क्या करना है, यहां पर मेरा जो यहां पर MIUI का वर्जन आ रहा है इस पे मुझको 3-4 बार टैप करना है, ठीक है। कंटिन्यूअसली टैप करना है, मैं यहाँ पे टैप करता हूँ और डेवलपर मोड मेरा जो डेवलपर ऑप्शन है वो मेरे यहाँ पर इनेबल हो जाएगा, ठीक है। ऑलरेडी मेरा इनेबल है, यहाँ पर एक पॉपअप लिखा हुआ है इनेबल्ड, तो इस तरीके से डेवलपर ऑप्शन इनेबल हो जाएगा, ठीक है। इनेबल होने के बाद आपके पास डेवलपर ऑप्शन आपके पास है तो ठीक है, नहीं है तो आपको यहाँ पे सिंपली यहाँ पे सर्च करना है डिबगर ऑप्शन के थ्रू, आप उसके अंदर एंटर हो सकते हैं USB डिबगिंग मोड के अंदर। तो आपको यहाँ पर सर्च करना है USB, ठीक है, और डिबगिंग का लिखना है DEBB। यहाँ पर आपको USB डिबगिंग मोड का आपको इस तरीके से ऑप्शन मिल जाएगा, ठीक है। ये ऑप्शन आपको मिल चुका है। अब मैं यहाँ पर सिंपली यहाँ पर क्लिक करूंगा। क्लिक करने के बाद यहाँ पर थोड़ा सा स्क्रॉल डाउन करूंगा और यहाँ पर देख सकते हैं कि USB डिबगिंग मोड मुझको यहाँ पर मिल चुका है। इसको आपको सिंपली अलाउ कर देना है। जैसे आप अलाउ करेंगे कुछ इस तरीके से आपसे एक पॉपअप आएगा। ये बेसिकली एप्लीकेशन का फीचर है तो आपको उसको अलाउ करना पड़ेगा, अदरवाइज आप एक्सेस नहीं कर पाओगे, ठीक है। तो अब यहाँ पर ये ऑटोमेटिकली मैं यहाँ पर क्लिक करके, ठीक है,
और यहाँ पर इसको ओके कर देता हूँ। ओके जैसे मैं करूँगा इसको यहाँ पर क्लिक करके ओके किया। ओके करने के बाद अब ये मेरा जो यूएसबी डिबगिंग मोड है ये यहाँ पर इनेबल हो चुका है और मैं अब अपनी यूएसबी के थ्रू अपने इस कंप्यूटर की स्क्रीन को एज ए सेकेंडरी मॉनिटर यूज़ कर सकता हूँ इस एप्लीकेशन के थ्रू जो एप्लीकेशन मैंने इंस्टॉल करी है। ठीक है, अब सिंपली मुझे क्या करना है, वायर्ड डिस्प्ले का जो सॉफ्टवेयर है मैंने अपने मोबाइल के अंदर इंस्टॉल किया था इसको मैं यहाँ पर करने वाला हूँ ओपन। ठीक है, ये मैंने कर लिया इसको सिंपली ओपन। अब ओपन करने के बाद आपको यहाँ पर इस तरीके से एक पॉपअप देखने को मिलेगा। ठीक है, ये जो पॉपअप है बेसिकली अब इस तरीके से आपको पॉपअप मिलेगा। अब मुझको क्या करना है, सिंपली अपने यूएसबी को अपने लैपटॉप से कनेक्ट करना है। ठीक है, जैसे ही मैं कनेक्ट करूंगा तो ये मेरी जो स्क्रीन होगी वो यहाँ पर शेयर होने वाली है, एक सेकेंडरी स्क्रीन यहाँ पर दिखने वाली है। ठीक है, अब मैं यहाँ पर करने वाला हूँ अपनी यूएसबी को यहाँ पर कनेक्ट है यूएसबी। ठीक है, इस यूएसबी को मैं यहाँ पे करने वाला हूँ कनेक्ट। इसको मोबाइल को मैं यहाँ पे साइड में रख देता हूँ। अब यहाँ पर मैंने अपनी यूएसबी को कर दिया कनेक्ट। ठीक है, ये मैं यहाँ पर ये कनेक्ट करने वाला हूँ यूएसबी। ठीक है, ये जरूर ध्यान रखना कि आपका जो पोर्ट है वो वर्किंग कंडीशन का होना चाहिए, आपके लैपटॉप का या फिर आपके पीसी का। ठीक है, इसको मैं अपने मोबाइल के अंदर यहाँ पर इंसर्ट करने वाला हूँ। जैसे मैं यहाँ पर इंसर्ट करूँगा, ठीक है, थोड़ी देर बाद आप देखिएगा इसमें हलचल मचेगी ऑटोमेटिकली और ये जो मेरी स्क्रीन होगी वो आप देख सकते हैं थोड़ी देर में शेयर होने वाली है। ठीक है, कुछ नहीं कर रहा मैं, अपने आप ऑटोमेटिकली शेयर हो जाएगी। उसके बाद देखिएगा कनेक्ट, ये देखिएगा गाइस डिस्प्ले मेरी कनेक्ट हो चुकी है, मेरी जो डिस्प्ले सेकेंडरी जो मॉनिटर है मेरा वो कनेक्ट हो चुका है एज ए मेरे मोबाइल के अंदर, एज ए स्क्रीन मेरी शेयर हो चुकी है। अब यहाँ पर आपको मैं क्या करके दिखाने वाला हूँ, यहाँ पर मैं सिंपली एक एक्सेल की फाइल ओपन करके दिखाऊंगा। सपोज दैट कि मैं इस वाले सिस्टम पे वर्क कर रहा हूँ, मैं कोई भी एक्सेल वाले पार्ट पे वर्क कर रहा हूँ या किसी भी चीज़ पे वर्क कर रहा हूँ, मुझको ये वाली जो स्क्रीन है इस पर शेयर करनी है, मतलब मेरे को ये वाली स्क्रीन जो है इसका जो भी जितना भी वर्क है इस वाली स्क्रीन पे शेयर करना है और इस वाली स्क्रीन को बिल्कुल फ्री रखना है। ठीक है, अब मैं क्या करूँगा, यहाँ पर सिंपली यहाँ पर मैंने एक्सेल की एक फाइल ओपन करी आपके सामने। ठीक है, अब मैं यहाँ पे जो भी वर्क करूंगा मुझको इस वाली स्क्रीन पे नहीं दिखेगा। ठीक है, ये जो स्क्रीन है वो बिल्कुल मुझको, मतलब एक तरह से आप देख सकते हैं कि यहाँ पर ये जो स्क्रीन है आपको इस तरीके से दिखेगी कि यहाँ पे बिल्कुल ब्लैंक दिखेगी। ठीक है, ठीक है, अब आपको यहाँ पर आप देख सकते हैं, तो यहाँ पर जैसे मैं एक्सेल की फाइल पे वर्क कर रहा हूँ, कुछ भी मैंने यहाँ पर टाइप किया एक्सेल की फाइल पे, ठीक है, और यहाँ पर मुझको ये स्क्रीन को इस वाले मोबाइल पे शेयर करनी है। ठीक है, तो यहाँ पर मैंने इसको लिया, यहाँ पर स्क्रॉल करके इस पर पटक दिया। ठीक है, ये मेरी स्क्रीन पहुँच गई है इस पर। ठीक है, यहाँ पर ये स्क्रीन है बिल्कुल ब्लैंक। ठीक है, यहाँ पर मैं कुछ भी काम करूँगा, कोई टेंशन नहीं है। यहाँ पर आपने मुझको यहाँ पर गूगल क्रोम ओपन करना है, मैं यहाँ पर गूगल क्रोम ओपन करूँगा। अब यहाँ पर मैं आपको एक एग्जांपल देके दिखा रहा हूँ, यहाँ पर मैंने अपने यूट्यूब का चैनल ओपन किया। ठीक है, और यूट्यूब के चैनल पर मैंने यहाँ पर सिंपली अपने वाले चैनल को ओपन किया, तो ठीक है, अब मैं अपने चैनल की वीडियो को ओपन करता हूँ। यदि मैंने इस वाली वीडियो को अपनी ओपन करी और अब मैं इस वाली वीडियो को, ठीक है, मस्त तरीके से फटाफट यहाँ पर इसको इसको स्पेसिफिक शेयर कर देता हूँ। ठीक है, तो यहाँ पर इसको ये ऐड को यहाँ पर स्किप करने के बाद तो यहाँ पर ये जो स्क्रीन है अब मैं इसको शेयर करने वाला हूँ। तो इस वाले मैंने यहाँ पे मोबाइल इसको करा स्क्रॉल डाउन और यहाँ पर मैंने इसको कर दिया शेयर। ठीक है, ये मस्त तरीके से यहाँ पे चलती रहेगी, कोई टेंशन नहीं है। अब यहाँ पर मुझको चेक करना है तो यहाँ पर भी मैं अपने माउस को ले जाके थोड़ा सा इसको बड़ा करके और यहाँ पर इस वीडियो को आराम से फर्स्ट क्लास देख सकता हूँ, कोई टेंशन नहीं है, ये यहाँ पर चलती रहेगी। ठीक है, ये इस तरीके से चलती रहेगी, मुझे कोई टेंशन नहीं है। यहाँ पर मेरी वीडियो चल रही है और ये मेरी स्क्रीन खाली है, मैं यहाँ पर आराम से कोई भी काम कर सकता हूँ, कोई टेंशन नहीं है। मेरी स्क्रीन हो चुकी है बिल्कुल यहाँ पर ड्यूल मॉनिटर की तरह शेयर हो चुकी है, जैसे अपने नॉर्मल अपन मॉनिटर यूज़ करते हैं इसी तरीके से मैंने यहाँ पर अपनी स्क्रीन को कर दिया शेयर। यहाँ पर यदि मुझको एक्सेल शीट ओपन करनी है तो मैं एक्सेल शीट ओपन कर सकता हूँ, यहाँ पर कोई भी अपना फोल्डर ओपन करना चाहता है मैं अपना फोल्डर ओपन कर सकता हूँ, तो यहाँ पर मुझे कोई भी दिक्कत नहीं, यहाँ पर मैं अपने पूरे काम को कर सकता हूँ। मेरी स्क्रीन ऑलमोस्ट यहाँ पर शेयर हो चुकी है, पूरी की पूरी यहाँ पर डिस्प्ले आ चुकी है, आप देख सकते हैं, और मैं यहाँ पर सिंपल अपने इस पर इसको अपने मोबाइल से भी इसको ऑपरेट कर सकता हूँ। यदि मैं चाहता हूँ तो अपने मोबाइल से ऑपरेट करना, तो मैं यहाँ पर अपने मोबाइल से भी इसको ऑपरेट कर सकता हूँ, कोई दिक्कत की बात नहीं है। ठीक है, आप देख सकते हैं यहाँ पर मैं अपने मोबाइल से भी इसको ऑपरेट कर रहा हूँ और यहाँ पर जो मेरे लैपटॉप है ये लैपटॉप मेरा चल रहा है, कोई दिक्कत नहीं है। यहाँ पर मैंने इसको शॉर्ट किया, छोटा किया, यहाँ पर जो भी वर्क करना है मैं यहाँ पे अपना वर्क कर सकता हूँ, एक्सेल की शीट है यहाँ पे अपनी काम कर सकता हूँ, यहाँ पर जो मेरा मॉनिटर बिल्कुल फ्री हो चुका है, कोई दिक्कत नहीं है, अपना काम फर्स्ट क्लास चल रहा है। सो आई होप गाइज आपको वीडियो समझ में आ गई होगी कैसे मैंने अपने मोबाइल को एज ए सेकेंडरी मॉनिटर कंप्यूटर का यूज़ किया। यदि आप चैनल पे नए हो तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लेना, क्योंकि इस तरीके की टिप्स एंड ट्रिक्स मैं इस चैनल पे लाता रहता हूँ। तो गाइज जाते जाते बोलना चाहता हूँ थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, बाय बाय, टेक केयर, जय हिंद।